हेलो, वेलकम टू 28 डेज मैजिक सीरीज, जहाँ पे हम मैजिक बाय रोंडा ब्रायन की ये जो बुक है इसकी मैजिक प्रैक्टिस को हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को मैजिकल बना रहे हैं। आप अपने बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, आपकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, आप अपने लाइफ के हर एक एरिया को मैजिकल बना सकते हैं इस मैजिक प्रैक्टिस से। और आज डे 9 की प्रैक्टिस में हम जानेंगे कि आप कैसे मैजिक मनी मैग्नेट बन सकते हैं। इसको जानने के लिए लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। बट बिफोर दैट, हेलो, दिस इज प्रियंका अभिजीत, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहाँ पे हम लाइफ के हर एक एरिया, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप में आप कैसे राइज और शाइन कर सकते हैं यूजिंग पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, सो दैट आपको हर नए वीडियो रिलीज का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए, जो कि हर ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को रिलीज होता है। तो हम आज बात करेंगे कि कैसे आप ये मैजिक प्रैक्टिस से मनी मैग्नेट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अब तक ये मैजिक प्रैक्टिस नहीं की है, तो इस वीडियो को पॉज करें, आप इस प्लेलिस्ट में जाएं, मैजिक सीरीज़ का डे 1 का वीडियो देखें, डे 1, डे 2, डे 3 की सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप डे 8 तक आएँ। सीधे आप डे 8 को स्टार्ट नहीं करें, बिकॉज हम इसमें हर दिन एक प्रैक्टिस को ऐड करते चले जा रहे हैं, तो एक आपका पूरा सीरीज बन गया है। ठीक है, इसको 28 डेज तक करना है और ये आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स देगा, ये आपकी लाइफ को मैजिकल बना देगा। ठीक है, चलिए आज जानते हैं कि कैसे हम मैजिक मैग्नेट बन सकते हैं। ऑथर ने लिखा है कि ग्रैटिट्यूड जो है वो आपको रिच बनाएगा, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कंप्लेन करेंगे तो आप जो है वो पुअर हो जाएंगे। तो अगर आपकी लाइफ में आज आपको लगता है कि पैसा नहीं है, तो पॉज करिए और सोचिए कि पैसे को लेके आपके कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे थॉट्स हैं, क्या पैसे को लेके आप कंप्लेन करते हैं। सी, हम डायरेक्टली पैसे को लेके कंप्लेन नहीं करते, लेकिन अगर आप पैसे को खर्च करने में आपको बुरा लगता है, आपको टैक्स पे करने में आपको बुरा लगता है, आप कंप्लेन करते हैं। अगर आपके पास कोई लोन लिया हुआ है आपने, या आपने कोई EMI चल रहा है आपको आपके घर का, गाड़ी का, और आपको उसके लिए अगर आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पैसा बहुत कम है, आपके पास हर चीज़ खरीदने के लिए पैसा नहीं है, या आप किसी को देख के जेलस फील करते हैं, किसी के पास बहुत सारा पैसा उसको देख के जेलस फील करते हैं, अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी बहुत कम है और आप इसके लिए हमेशा क्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो ये सारे जो भी थॉट्स हैं, ये जितने भी इमोशंस हैं, ये आपके मनी को और ज़्यादा आपसे दूर भगा रहे हैं, ये आपके पैसे को आपसे खींच रहे हैं, छीनते चले जा रहे हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो आपको अपने ऑब्वियसली बिल पे करने में प्रॉब्लम आती होगी, तो ये जो बिल्स हैं, ये जब हम इन बिल्स के लिए जो हमारे जो खर्चे हैं, अगर हम इनके लिए नेगेटिव इमोशन रखते हैं, जो जाहिर सी बात है कि अगर पैसा नहीं है तो हमें बहुत इनके लिए इन खर्चा करने में थोड़ा सा दुख होता है, गुस्सा भी आता है। बिल्स जब हमारे आ जाते हैं, बिजली का बिल आ गया या कोई ऐसा EMI हमें पे करना हो गया, तो हमें उसके लिए बुरा भी लगता है। लेकिन इस बुक में क्या लिखा है कि अगर आपके खर्चे हैं, उन बिल्स के लिए आपको कंप्लेन नहीं करना है, बल्कि आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कई 5-स्टार होटल में जाते हैं, खाना तो खाते हैं, लेकिन पैसा देकर देने में उनको ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार बड़ा महंगा था, इतना सा खाना दिया, बड़ा ज़्यादा पैसा ले लिया। लेकिन जब आपके पास अगर पैसा कम है और कहीं आपको लग रहा है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है जिसके लिए आप वो पैसा पे कर रहे हैं। तो अगर आप ये 5-स्टार होटल में गए हैं, आपने उस खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा पे किया, तो आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, और थैंक यू बोलना है कि खाना इतना अच्छा था, मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे थोड़ा सा एक नया एक्सपीरियंस मिला, नए तरह का टेस्ट मिला, एक जगह पे आके खाने का मौका मिला। आपको उस चीज़ के लिए, भले ही वो आपको कितना चुभ रहा हो, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। सिमिलरली कभी आपको अगर
टैक्स देना पड़ जाता है या आपका टैक्स ज़्यादा है, या बहुत सारे लोग जीएसटी देने के लिए कंप्लेन करते हैं, टैक्स इनकम टैक्स के लिए कंप्लेन करते हैं। आई नो आपको लगता है कि आपकी सैलरी वैसे ही कम है, उसका एक बहुत अच्छा मोटा खासा अच्छा खासा पोर्शन जा रहा है टैक्सेस पे और हम उसके लिए कंप्लेन करते हैं। बहुत मुश्किल है उस टाइम पे उस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करें बल्कि हम पॉजिटिव फील करें। लेकिन जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं कंप्लेन का, और यूनिवर्स हमको और ज़्यादा मौके देता है कंप्लेन करने के। हम एक लैक ऑफ मनी के वाइब्रेशन के साथ जो है अलाइन हो जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है जब खर्चा हो उस खर्चे के लिए आप कंप्लेन नहीं करें बल्कि थैंकफुल हो, पर यहीं पे आपको जो है वो मैजिक को अपनी लाइफ में लाना है, ताकि ये जब आप उस कंप्लेन को चेंज कर देंगे एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ, तो जो आपके पास वो पैसा है वो अबंडेंटली बढ़ते चले जाएगा। एक यही एक लौता तरीका है अपने लाइफ में पैसे को बढ़ाने का। तो अगर आपके खर्चे हैं तो उन खर्चे के लिए कंप्लेन नहीं करना, आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। जैसे कि अगर आपके पास ईएमआई है, ठीक है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे पास मुझे हर मंथ ईएमआई देना पड़ता है, मुझे अपनी मैं जॉब नहीं छोड़ सकता बिकॉज मेरे पास एक लोन का बोझ है। अब हम जब जितना इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करेंगे हम उतना लैक वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ ट्यून होंगे, हम उतना ही अपनी लाइफ में पैसा जो है उसको पाएंगे कि वो आपके लाइफ में कम है। आपको क्या करना है, आपको इस सिचुएशन में कैसे आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, आपको थैंक यू बोलना है कि एटलीस्ट वो लोन की फैसिलिटी थी तो आप अपना घर ले पाए, आपके ऊपर आपकी अपनी खुद की छत है, आपके पास ईजी तरीका है उस लोन को एक साथ आपको इतना सारा पैसा नहीं देना है, आपको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा देना है। आपकी लाइफ को कितना उसने कन्वीनियंट बना दिया। सोचिए अगर ये बैंकिंग सिस्टम नहीं होता, अगर आपको ऐसे लोन के सिस्टम्स नहीं होते, अगर आपको पैसा नहीं दिया होता उस घर को खरीदने के लिए, तो क्या लोग इतने महंगे घर खरीद पाते, क्या आप एक साथ इतना सारा पैसा दे सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने 2 करोड़ का लोन लिया है और आप 2 करोड़ के घर पे लेते हैं तो आप मंथली तो सिर्फ 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं, क्या आप एक साथ 2 करोड़ पे करके घर ले पाते। इमेजिन कि बैंकिंग सिस्टम नहीं होता, ये लोन्स का सिस्टम्स नहीं होता, तो फिर क्या आप अपने ड्रीम हाउस में रह पाते। या अगर आपके पास आपने कार लोन नहीं लिया होता तो क्या आप अपनी ड्रीम कार को चला पाते। तो हमें जो है अपनी थिंकिंग को चेंज करना है, आपको उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है कि आपको उस पैसे से वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको उस चीज़ से वो मज़ा आ रहा है। उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे जब, तो आपको आपकी लाइफ में नज़र आएगा कि आपका पैसा भी बढ़ता चला गया है। तो आज की आपकी एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है कोई ऐसा एक बिल जो आपने नहीं पे किया है उसको जो है आपको देखना है, रीड करना है, और उसके लिए आपको क्या बोलना है, उसके लिए आपको बोलना है यू आर थैंकफुल फॉर द मनी, आप शुक्रगुजार हैं कि आपके पास पैसा है। ठीक है, वो अनपेड जो बिल है उसके लिए आपको लिखना है यू आर थैंकफुल फॉर द मनी। ठीक है, आप थैंक यू बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा है उस बिल को पे करने के लिए। और इसके बाद आपने जो लास्ट में लास्ट कुछ महीनों में 10 जो भी बिल पे किए होंगे, बिजली का बिल हो, ईएमआई हो, पेट्रोल हो, इनकम टैक्स हो, जो भी आपने ऐसा पे किया है, आपको ऐसे 10 जो है वो नोट करने हैं, और आपको उनकी हार्ड कॉपी लेनी है या ईमेल जहाँ पे भी आपको बिल आया हो वहाँ पे आपको लिखना है थैंक यू पेड। तो 10 ऐसी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी पे कर दी हैं आपको लिखना है थैंक यू पेड, और एक ऐसी चीज़ जो आपने अभी तक पे नहीं की आपको उसे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। जब हम हमारे लाइफ में जो भी पैसा है और जो भी खर्चा है जब हम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, थैंकफुल हो जाते हैं, तो हमें अबंडेंटली और ज़्यादा पैसा मिलता है, और ज़्यादा पैसा मिलता है ताकि आप उसको खर्च करके अपनी लाइफ में और अच्छे बेहतरीन एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो आज की आपकी मैजिक प्रैक्टिस ऑफ डे 9 क्या है, मनी मैग्नेट कैसे आप बन सकते हैं। सबसे पहले आपको उठना है, जब सुबह उठ के आपको अपने 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उसके रीजंस को भी आपको लिखना है यू आर ग्रेटफुल फॉर दिस व्हाई, उसके रीज़न को लिखना है मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि, रीज़न लिखना है। उसके बाद आपको उन चीज़ को रीड करना है, और एक बार जब आपने रीड किया तो आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आपको लाउडली थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपको अपना करंट कोई भी एक अनपेड बिल जिसको आपने बिल नहीं पे किया है, वो कोई लोन हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, टैक्स हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, उसके लिए आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मनी।
थैंक यू, मेरे पास पैसे हैं इसको पे करने के। इसके बाद लास्ट के कोई भी ऐसे 10 खर्चे जो आपने किए हों, 10 ऐसी जो चीज़ें, जैसे आपके इनकम टैक्स हो, या आपने EMI भरा हो, या आपका कहीं पे खर्चा हुआ, उनको आपको उनकी जो है कॉपीज लेनी है और आपको लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ में अपने पैसे के लिए भी और अपने खर्चे के लिए भी, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ में जो खर्चा हो रहा है आपको उसके लिए कंप्लेन नहीं करना है, बल्कि उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है कि आपके पास पैसे हैं कि आप उसको पे कर सकते हैं, और आप ग्रेटफुल हैं कि आपको उस खर्चे से वो लवली एक्सपीरियंसेस मिले हैं। फिर रात को सोने से पहले आपको अपने ड्रॉअर से अपना मैजिकल रॉक निकालना है और आपको दिन भर क्या हुआ उसको रिकैप करना है, किसी एक चीज़ के लिए जिसके आप सबसे ज़्यादा, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो बस ये मैजिकल प्रैक्टिस करें, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसे मैजिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, थम्स अप ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और किसी एक को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिसको शायद अच्छे देखने की ज़रूरत है। Till we meet next, this is Priyanka Bajaj signing off. Keep the magic alive.